पहाड़ी सिलबट्टे में पीस के भटके डुबके का जो नेचुरल स्वाद आता है वो किसी मिक्सी ग्राइंडर में मज़ा नहीं। सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक हो या मसाले खाने के स्वाद में चार चांद लगा देता है। ये है पारिजात का वृक्ष। मेरे पापा प्रकृति प्रेमी थे, पेड़ पौधों से बहुत लगाव था और उन्हीं की तरह मुझे भी पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। हमारे घर के आसपास रुद्राक्ष, पारिजात से लेकर विभिन्न प्रकार के पेड़ पापा ने लगवाए हैं। कहते हैं कि पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और यह देवताओं को मिला था। स्वर्ग में इंद्र ने अपनी वाटिका में इसे रोप दिया था और पौराणिक मान्यता के अनुसार नरकासुर के वध के पश्चात इंद्र ने श्री कृष्ण को पारिजात का पुष्प भेंट किया जो उन्होंने देवी रुक्मणी को दे दिया। लेकिन श्री कृष्ण की पत्नी सती भामा इससे क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लाने की जिद करने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण को पारिजात धरती पर लाना पड़ा। यह है मॉडर्न टीन का चूल्हा। पहले मिट्टी के चूल्हे होते थे पर आधुनिकता के चलते चूल्हों का रूप भी बदल गया है। और मम्मी अभी भी लगी पड़ी है, अभी भी सिलबट्टे में पीस रही है, बिल्कुल बारीक सा पीस रही है मम्मी। और देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ये है गाइस बोतल बुरास का पेड़ और इसमें बोतल बुरास लगा हुआ है अभी। अभी इसमें बहुत कम फूल है लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा इसमें फूल आते हैं तो ये पूरा भर जाता है, पूरा लाल हो जाता है, बहुत प्यारा बहुत सुंदर ये दिखता है। हमारे पहाड़ की पहचान में कुछ ही चीज़ें जीवंत बची है, जैसे पहाड़ी सिलबट्टे का यूज आज के इस आधुनिक युग में भी होता है। नहीं तो आजकल सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों ने हमारे खान पान में यूज होने वाली प्राकृतिक चीज़ों की जगह ले ली है। ये बन रही है पालक की टपकी, भटके डुबके के साथ में पालक की टपकी मम्मी बना रही है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है भटके भट को सिलबट्टे में पीसना, बट बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो जो सिलबट्टे में पीसा हुआ जो भटके डुबके आप खाओगे और जो मिक्सी ग्राइंडर से जो पीसा हुआ आप खाओगे उसमें धरती आसमान का फ़र्क होगा और टेस्ट में भी। पहाड़ी लाइफ स्टाइल गाइस, देखो इतनी छोटी सी जगह पे यहाँ पे ये पालक यहाँ पे बोया है मम्मी ने और ये यहाँ पे गोबर का पूरा ये टीला रखा हुआ है, वहीं पर ये पालक यहाँ पे बोया हुआ है।
गुड मॉर्निंग गाइस। और आज मैं बैठी हूँ पिरुल के टांग के ऊपर। ये देखो, अभी बजे हैं सुबह के 10 और मैंने मम्मी से, मम्मी ने बोला कि आज वो भटके टुपके बना रही है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मैंने वीडियो शूट किया है, अभी प्रोसेस कर रही है मम्मी। तब तक मैंने सोचा, बहुत अच्छी धूप आई है, बहुत सुनहरी धूप आई है यहाँ पे, और मैं छत में बैठी हूँ धूप सेकने के लिए। पूरा व्यू, मेरे घर के पीछे का व्यू पूरा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। कल हम मंदिर गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो आज मॉर्निंग टाइम पे पूरा रेस्ट है। पैरों में बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा ही। उठे हैं, मैंने ब्रश किया है और उसके बाद चाय पिया है। बस इसके बाद मम्मी बना रही है खाना। मैंने मम्मी को ब्रेकफास्ट के लिए मना कर दिया है, क्योंकि इतनी लेट तो हो ही गई है, 10 बजे हम उठे हैं, और उसके बाद से अब सीधे ही हम लंच करेंगे। तो मम्मी बना रही है पालक की टपकी और साथ में बना रही है भटके डुबके, जो मेरे बहुत फेवरेट है और आदि को भी बहुत पसंद है। दिखाऊंगी आपको मम्मी कैसे बनाती है भटके डुबके, और पहाड़ी लाइफ स्टाइल कैसी रहती है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। आप चैनल पे बने रहे, और गाइस एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज़, इतना तो बनता है, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मम्मी ने कर ली है पूरी तैयारी भटके डुबके बनाने के लिए। ये पूरा का पूरा सामान यहाँ पर लेके आ गई है, और ये रख दी है कढ़ाई।
भी हो रहा हूँ तुम जान बहुत ना बहुत आपको हैं वो जो कहीं ना आज का दिन बहुत मस्त रहा है, बहुत अच्छा रहा है।
भटके दुबके खाने के बाद फिर हमने नींबू बनाया है, और नींबू इतना टेस्टी था, इतना मज़ेदार। काफ़ी टाइम बाद नींबू खाया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही भटके दुबके भी बहुत टेस्टी थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी ने बहुत टेस्टी बनाया था। आज सब कुछ सिलबट्टे में पिसा हुआ प्योर खाने को कुछ मिला है, बहुत यमी टेस्टी और हेल्दी जो भी बोलो, बहुत प्यारा। और अभी मैं तो सोई हुई थी, भटके डुबके उबके खाए, उसके बाद से थोड़ी देर मैंने धूप सेका, धूप सेकने के बाद मैं सो गई थी। लेकिन सोने के बाद फिर हमारे पड़ोसी आ गए थे, बुआ ने बुलाया था नींबू बनाने के लिए, नमक पीसने के लिए। मेरे हाथ में थोड़ा सा पेन था इसलिए नमक उन्होंने पीसा, मैं भी नींबू बनाती हूँ। फिर हमने नींबू बनाया जल्दी से, बहुत टेस्टी नींबू बना था, बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ। फेवरेट फेवरेट खाने को मिला, सब कुछ बहुत अच्छा लगा।